इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है इसमें, जो भी मतलब बेस्ट ऑप्शन होगी वो उसको एक्सरसाइज करेगा। और डीसीपी साउथ ही इज अ कॉम्पिटेंट ऑफिसर, तो वो इसकी जो भी इसमें कार्रवाई करने की आवश्यकता है वो करेगा। बाकी जहां तक दिल्ली पुलिस का सवाल है, हमारा एक हमेशा लक्ष्य होता है, जब भी हम किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को हम डील करते हैं तो उसमें हमारा एक हमेशा लक्ष्य होता है कि हम अपनी हैंडलिंग के द्वारा शहर के माहौल को ख़राब ना करें, चाहे वो जंतर मंतर पे कोई इंतज़ाम होता है चाहे वो किसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से हम जो है वो सडन या स्नैप डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे अभी पीछे शहर में देखे गए विद जाट आरक्षण के सिलसिले में, कि हम हर सिचुएशन को धैर्य से, शांति से, अटमोस्ट रेस्ट्रेंट से हैंडल करें, ताकि किसी भी असामाजिक तत्व को मौका ना मिले शहर का माहौल खराब करने का। एंड माई इंस्ट्रक्शन इन दिस रिगार्ड आर वेरी क्लियर टू ऑल माई ऑफिसर्स, चाहे वो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाले थे जिन्होंने पटियाला हाउस को हैंडल किया, चाहे वो बाकी अन्य जिलों के ऑफिसर जिन्होंने जाट आरक्षण के सिलसिले में कम से कम 60-70 जगह पर मुजाहरों को डील किया, और इसी प्रकार से JNU में भी जो मेरे ऑफिसर्स हैं, जो लोकल SHO है, लोकल ACP है, उसको मेरी जो एक हमारी दिल्ली पुलिस की जो एक पॉलिसी है कि कानून की रक्षा करने में हमें अटमोस्ट रेस्ट्रेंट दिखाना है, वी शुड बी फर्म बट एट द सेम टाइम वी शुड गो इन फॉर ह्यूमेन पुलिसिंग, तो वो उसमें मद्देनजर रखते हुए श्री प्रेमनाथ जी और उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुनासिब डिसीजन लेंगे। अगर मुझे लगेगा कि मुझे कोई गाइडेंस देने की आवश्यकता है तो मैं दूंगा। बाकी दिल्ली की जनता को भी मैं बताना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखती है, और भारत के संविधान में अटूट विश्वास रखने वाली पुलिस को यह भी मालूम है कि हम एक डेमोक्रेटिक पॉलिटी का एक अभिन्न अंग है, तो हमें जब भी कभी किसी भी व्यक्ति से डील करना है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो आम नागरिक हो, उसके साथ में पूरे पूरे धैर्य के साथ, पूरी पेशेंस के साथ, पूरी शांति के साथ डील करना है। मेरे ऑफिसर्स कॉम्पिटेंट हैं, जो भी आवश्यक होगा वो करेंगे। पुलिस के अंदर जाने से भी समस्या नहीं आएगी, पुलिस के बाहर रहने से भी समस्या नहीं आएगी, ये सारा का सारा सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड ऑप्शंस, तो ये अगर आपको मैं गिनाना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि आपको मेरी रिटायरमेंट तक का भी इंतजार करना पड़ेगा, और हम जो है ऑप्शंस को गिनाते जाएंगे, हमारे पास हजारों ऑप्शन